नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। आपके दो चीफ मिनिस्टर्स ने कहा है कि हम फैसला करें, हम फैसला करें कि हमने किसके साथ जाना है। कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, कश्मीरी तुम्हें सीएम हाउस से निकालकर गिलगित और बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर, तुम्हें तुम्हारे चीफ मिनिस्टर हाउस से निकालकर इतनी जूतियां मारेंगे कि वो नशा जो नवाज शरीफ ने मोदी की खातर तुम्हें चढ़ाया है वो उतर जाए। प्रकांड पंडित, अखंड विद्वान और ऐसे मुल्क का सुल्तान जिसके चर्चे भिखारियों में सम्मान के साथ किए जाते हैं, यानी पाकिस्तान के इतिहास का ऐसा लौंडा जिसने पाक की 22 करोड़ आबादी को इतना गधिया नर्तक कराया कि घुंघरू टूट गए। ये वही सुल्तान है जिसकी दुकान पकौड़ों की रही और बातें करोड़ों की कही। कल जो रिपोर्ट आई उसने न केवल पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की चूल्हे ला दी बल्कि इमरान खान की कुर्सी भी डगमगाने लगी है। चीनी, आटा, बिजली, सैनिटाइजर, मास्क और दवाई के 6 घोटाले देने वाले इमरान खान के लिए एक बुरी खबर आई है। पाकिस्तान के 68 साल में पहली बार अर्थव्यवस्था की विकास दर माइनस में पहुंच गई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक मौजूदा वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर -0.38 रही है। इसका मतलब यह हुआ कि इस देश के मुल्लों ने सिर्फ सैरी गटकने से ज्यादा कुछ नहीं किया। मुसीबत में घिरे पाकिस्तान ने $2 अरब का कर्ज लेने के लिए एक बार फिर विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक का दरवाजा खटखटाने का मन बनाया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने विश्व बैंक और एशियाई बैंक से जो कर्ज लेना चाहा है वह $1 अरब 80 करोड़ के उस कर्ज से अधिक है जो उसने G20 देशों से मांगा है। उक्त नया कर्ज $30,50,000 के उस लोन से अलग है जिस पर इमरान सरकार और ADB के बीच हाल ही में रजाबंदी बनी थी। इससे पहले साल 1952 में कुछ समय के लिए पाक में ऐसी नौबत आई थी मगर उस वक्त अमरीका ने उसे बचा लिया था, मगर इस बार दिवालिया होते पाकिस्तान को बचाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में भारत को एक शानदार मौका मिल गया है। पाकिस्तान के बदले हालात और खाली खजाने के चलते उसमें भारत का प्रतिरोध करने की ताकत नहीं बची है। अगर भारत POK को हासिल करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करता है तो पाक फौज अधिक देर तक भारतीय सेना के सामने नहीं टिक पाएगी। पाकिस्तान के रक्षा बजट पर अध्ययन करने वाली संस्था के मुताबिक अगर आज पाकिस्तान किसी जंग का सामना करता है तो वह 2 दिन से ज्यादा मैदान में नहीं टिक पाएगा। उसके पास इतनी क्षमता भी नहीं बची है कि वह पाक फौज को 3 दिन तक के लिए तेल उपलब्ध करा सके। इसका अभिप्राय यह है कि भारत को दिसंबर तक इंतजार करके पाकिस्तान को संभलने का मौका नहीं देना चाहिए। पाक के F-16 का मुकाबला करने के लिए जुलाई में राफेल की पहली खेप आ रही है। इस वक्त कंगाल और संकट में फंसे पाकिस्तान पर वार करने का यही उचित समय है। बड़ी बात यह है कि पिछले 2 हफ्तों से POK के विभिन्न हिस्सों में भारत के पक्ष में माहौल बन रहा है। वहां पत्रकारों पर हुए लाठीचार्ज के बाद इलाके में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूटने लगा है। रही सही कसर पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर में इस्तेमाल की हुई PPE किट और मास्क भेजकर पूरी कर दी है, जिसके बाद कोरोना इलाज में जुटे डॉक्टर भी सड़क पर आ गए हैं। पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर में 3 लाख PPE किट और मास्क भेजे थे। मुजफ्फराबाद स्थित शेख हसीना बिन जैद कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में जब इन PPE किट को खोला गया तो उन्हें पहले इस्तेमाल किया जा चुका था। PPE किट और मास्क पर मुल्लाओं द्वारा खाए गए पान के धब्बे लगे थे। पाकिस्तान के इस झांसे के बाद डॉक्टर और अन्य चिकित्सा कर्मियों ने अस्पताल जाना बंद कर दिया। स्थानीय लोगों ने यहां आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसके बाद पाक फौज ने इलाके में फौजी जमावड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया है। स्थानीय प्रशासन ने 10 कश्मीरियों को हिरासत में लेकर उन पर रोका एजेंट होने का ठप्पा लगा दिया है, यानी भारत के POK पर आक्रामक होते ही पाक फौज ने कश्मीरियों का दमन शुरू कर दिया है, जिसके बाद लोगों में आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।